सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए फिर से कुछ एंड्रॉइड एप्लीकेशन लेके आ गए जो कि आपको अपने फोन में एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। इसमें कुछ कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन है और कुछ डेली यूज करने वाला एप्लीकेशन है। सारा जो एप्लीकेशन है काफी बढ़िया एप्लीकेशन है, एकदम नेक्स्ट लेवल तक का एप्लीकेशन है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कौन सा एप्लीकेशन है और आपको अपने फोन में इसको कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारा एप्लीकेशन है इसका नाम है प्रो लॉन्चर। दोस्तों ये जो लॉन्चर है काफी बढ़िया लॉन्चर है। इस लॉन्चर में आपको काफी यूनिक होम स्क्रीन सेटअप देखने को मिलेगा। होम स्क्रीन पे आपको दो तरह का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, एक साइड आपको सिर्फ नाम मिलेगा और एक साइड आपको सिर्फ आइकन देखने को मिलेगा। दोनों का जो डिजाइन है काफी बढ़िया डिजाइन है और आप इसको यूज भी कर सकते हैं। ऊपर आपको डेट और टाइम देखने को मिलेगा। अगर आपको अपना आल ऐप देखना है आपको इसको ऊपर की तरफ स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको सारा एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। आपको जो भी यूज करना होगा आप लोग इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं। और इसमें प्लस पॉइंट भी है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन का नाम सर्च करके ओपन करना है तो उस एप्लीकेशन का नाम में आप सिर्फ तीन वर्ड टाइप करेंगे, डायरेक्ट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको गैलरी ओपन करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, GAL टाइप करेंगे, डायरेक्ट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कैमरा ओपन करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, CAM टाइप करेंगे, डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाएगा। तो ये जो लॉन्चर है काफी बढ़िया लॉन्चर है, आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक लेना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है, फिर आपको इसको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद जो लॉन्चर होगा आपके फोन में अप्लाई हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे फोन पे लॉन्चर अप्लाई हो चुका। अभी आपका जो होम स्क्रीन होगा काफी सिंपल होगा। आपको क्या करना है, इसमें एक वॉलपेपर अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन में हम आपको तीन वॉलपेपर दे देंगे, आप तीनों में से किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अलग अलग अप्लाई करके अलग अलग वॉलपेपर का मजा ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको गैलरी ओपन करना है और यहाँ पे आपको वॉलपेपर देखने को मिलेगा। इस वॉलपेपर को आपको सिलेक्ट करना है और आपको अपने होम स्क्रीन पे इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका होम स्क्रीन होगा काफी आपको यूनिक देखने को मिलेगा। इस वॉलपेपर में ही सारा डिजाइन है। जब आप इसको अप्लाई कर लेंगे तो आपका फोन का जो होम स्क्रीन होगा काफी आपको यूनिक देखने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे फोन का जो होम स्क्रीन है काफी यूनिक देखने को मिल रहा है। इसी तरह से आप तीनों वॉलपेपर को अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया लॉन्चर है, आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका नाम है बिजनेस कार्ड। दोस्तों ये भी एप्लीकेशन काफी बढ़िया एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन खास करके उन लोगों के लिए जिनका कोई ना कोई बिजनेस है और वो अपने बिजनेस का कार्ड क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम उन लोगों को बता दें कि आप लोग इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने बिजनेस का अलग अलग तरह का कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको अलग अलग तरह का बहुत सारे टेम्पलेट देखने को मिलेगा। जैसा भी आपको कार्ड क्रिएट करना है आप लोग इसको यहां से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्म आएगा, आपको अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे आपको अपना नाम फिल करना है, कंपनी नेम फिल करना है और यहाँ पे एड्रेस, मोबाइल नंबर, वेबसाइट, ईमेल वगैरह सारा कुछ आपको फिल कर लेना है। तो चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं। इसके बाद आपको नीचे अपलोड लोगो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना लोगो अपलोड कर लेना है। इसके बाद आपको फिर सेव पर क्लिक कर लेना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का बहुत सारा आपको कार्ड देखने को मिलेगा। जैसे भी आपको क्रिएट करना है आपको सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको बहुत सारा कार्ड देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको इसको क्रिएट करना है, सिंपली हम कार्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको फ्रंट और बैक दोनों देखने को मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सिंपली आपको फ्रंट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपका पूरा कार्ड देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ कस्टमाइज करना है तो साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन से लोगो ऐड करना है तो आप इसको भी कर सकते हैं। नाम वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कंपनी नेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको सेव पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना कार्ड नेम टाइप कर लेना है। इसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है, फिर आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो कार्ड होगा आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो कार्ड हम क्रिएट किए हैं काफी अच्छा लग रहा है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, हमारा कार्ड यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से आपको जैसे भी कार्ड क्रिएट करना है आप लोग इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका नाम है फास्ट कॉल। दोस्तों ये भी एप्लीकेशन काफी बढ़िया एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप कहीं भी कॉल करेंगे तो आपका रियल नंबर शो नहीं होगा, यहाँ पे एक अलग तरह का नंबर शो होगा। आप नेक्स्ट टाइम भी कॉल करेंगे तो आपका रियल नंबर शो नहीं होगा, अलग तरह का नंबर ही शो होगा। तो अगर अभी अपना रियल नंबर हाइड करना चाहते हैं, किसी और नंबर से कॉल करना चाहते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन को जरूर ट्राई कीजिए। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, आपको उसकी परमिशन को अलाउ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, कॉल और क्रेडिट का। आपको सिंपली कॉल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डायल बटन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नंबर टाइप कर लेना है। नंबर टाइप करने के बाद आपको कॉल पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कॉल 998 क्रेडिट पर मिनट। मतलब कि अगर आप एक मिनट बात करेंगे तो यहाँ पे 998 क्रेडिट यहाँ पे खर्च होगा। आपको क्या करना है, सिंपली आपको कॉल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपका रिंग बजना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से आपका कॉल चला जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप कहीं भी कॉल करेंगे तो आपका क्रेडिट खर्च होगा। जब आपका क्रेडिट पूरा खर्च हो जाएगा तो
कहीं भी कॉल नहीं कर पाएंगे। तब आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्रेडिट पे क्लिक करना है, और अगर आपको क्रेडिट बाय करना है तो सिंपली आपको बाय क्रेडिट पे क्लिक करना है और यहाँ सब बाय कर सकते हैं। अगर आपको बाय नहीं करना है तो सिंपली आपको नीचे आना है, फिर यहाँ पे क्रेडिट बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको तीन चार ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें से मेन है पहला और तीसरा। पहले पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐड आएगा, आपको ऐड को स्किप कर देना है। जब आप ऐड को स्किप करेंगे तो आपके अकाउंट में 100 के करीब में क्रेडिट आ जाएगा। इसके बाद है तीसरा, तीसरे पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐड आएगा, 30 सेकंड का ऐड आएगा, आपको पूरा ऐड को वॉच कर लेना है। जब आप ऐड को वॉच कर लेंगे तो आपके अकाउंट में 100 क्रेडिट फिर से आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग अपना क्रेडिट बढ़ा के कॉल कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इसका नाम है वॉल एक्स। दोस्तों ये भी एप्लीकेशन काफी बढ़िया एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आपको अलग अलग तरह का बहुत सारा वॉलपेपर देखने को मिलेगा। आपको जो भी अपने फोन में डाउनलोड करना है फिर आपको अप्लाई करना है, आप लोग इसको यहां से कर सकते हैं। यहां पे आपको अलग अलग तरह का बहुत सारा वॉलपेपर देखने को मिलेगा, और इसमें आपको जितना भी वॉलपेपर देखने को मिलेगा सारा आपको काफी अच्छा क्वालिटी में देखने को मिलेगा। 4K में तो नहीं मिलेगा, लेकिन काफी अच्छा क्वालिटी में जरूर मिलेगा। जो भी आपको डाउनलोड करना है फिर आपको अप्लाई करना है, आप लोग इसको यहां से कर सकते हैं। साइड में अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको कलेक्शन भी देखने को मिलेगा, यहां से फोल्डर से भी वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3D वाला भी देखने को मिलेगा, अब्स्ट्रैक्ट भी मिलेगा, एनिमल मिलेगा, एमुलेट मिलेगा, आर्ट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत सारा फोल्डर आपको देखने को मिलेगा, जिस भी फोल्डर से आपको वॉलपेपर सिलेक्ट करना है आप लोग इसको यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का बहुत सारा फोल्डर भी देखने को मिलेगा। तो काफी बढ़िया वॉलपेपर वाला एप्लीकेशन है, आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।